कोरोना महामारी न केवल दुनिया को आपातकालीन तैयारियों को परखा बल्कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास को भी चुनौती दी। वायरस को बेअसर करने के लिए कई वैक्सीन बन गए हैं, लेकिन फिर भी इसके नित नए म्यूटेंट सामने आ रहे हैं। नई लहर की आशंकाओं के बीच इटली के वैज्ञानिक ने ऐसा लेजर डिवाइस विकसित किया है जो कोरोना वायरस को मार सकता है। इटली के एलटेक के लेजर और इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी ने पिछले वर्ष एक डिवाइस का काम शुरू किया। आईसीबी की सेरेना जकनिया का दावा है कि यह डिवाइस 50 मिली सेकेंड में वायरस का खात्मा कर देगा। हालांकि इस पर वैज्ञानिकों ने यह कहकर आपत्ति दर्ज की है, तकनीक सुरक्षित नहीं है, इससे कैंसर का खतरा बढ़ता है। एलटेक के फाउंडर फ्रांचेस्को जनाटा और जकनिया ने आशंका दूर करते हुए कहा है कि त्वचा के संपर्क में नहीं आता, लिहाजा खतरे का प्रश्न ही नहीं है। ये छोटे साइज में और कहीं भी इसके ले जाया जा सकता है। इसकी ऊंचाई 5 फुट 9 इंच है और वजन 25 किलोग्राम है। एलटेक कंपनी को इसका पेटेंट भी मिल गया है। यह डिवाइस हवा में मौजूद वायरस को मारता है, सतह पर वायरस को खत्म नहीं कर सकता। चीखने या तेज आवाज में बोलने से वायरस सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचा तो असरहीन रहेगा। पिछले वर्ष जर्नल ऑफ फोटोबायोलॉजी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इससे कैंसर का खतरा है। 50 मिलीसेकंड में वायरस को खत्म कर देता है यह डिवाइस, इसे बनाने वाली कंपनी का ये दावा है। इसे पेटेंट भी मिल गया है। इटली का मेडिकल उपक्रम वाली 2 कंपनियों ने इसका आविष्कार किया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। जो कहीं नहीं वो यहाँ है, जो सही है वो यहाँ है, जो देश दुनिया में है वो यहाँ है, एक स्पष्ट सोच यहाँ है, हर परिवर्तन की खबर यहाँ है, हर लोगों की बुलंद आवाज यहाँ है, राजनीति खेल फिल्म उद्योग विज्ञान की हर बात यहाँ है, हर अधिकारों की बात यहाँ है, अन्याय के खिलाफ संघर्ष यहाँ है, हर कर्तव्यों की बात यहाँ है lalluram.com, सच कहेंगे लल्लूराम। खबर भी सरोकार भी, हर कदम हर डगर हर मोर्चे पर तैयार भी, पक्ष हो या विपक्ष, बात वही जो है सच सही और दमदार भी। गांव कस्बा शहर नगर रुक न पाए कोई खबर, असर भी असरदार भी, खबर भी सरोकार भी। लल्लूराम.com, सच कहेंगे लल्लूराम।